जम्मू और कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। यहाँ की हरी भरी वादियाँ, साफ स्वच्छ हवा और पानी इस प्रदेश को वाकई स्वर्ग सा बना देते हैं। भारत को आज़ादी मिलने के बाद 15 अगस्त 1947 को जम्मू कश्मीर भी आज़ाद हो गया था। भारत की स्वतंत्रता के समय यहाँ के शासक राजा हरि सिंह थे, जो अपनी रियासत को स्वतंत्र रखना चाहते थे, लेकिन 20 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान समर्थित आज़ाद कश्मीर सेना ने पाकिस्तान सेना के साथ मिलकर कश्मीर पर हमला कर दिया और काफ़ी हिस्सा हथिया लिया। इस परिस्थिति में महाराजा हरि सिंह ने जम्मू और कश्मीर की रक्षा के लिए शेष अब्दुल्ला की सहमति से 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ जम्मू और कश्मीर के अस्थायी विलय की घोषणा कर दी और इस नए समझौते के तहत जम्मू और कश्मीर ने भारत के साथ सिर्फ 3 विषयों, रक्षा, विदेशी मामले और संचार को भारत के हवाले कर दिया। समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद भारत सरकार ने वादा किया कि इस राज्य के लोग अपने स्वयं की संविधान सभा के माध्यम से राज्य के आंतरिक संविधान का निर्माण करेंगे और जब तक राज्य की संविधान सभा शासन व्यवस्था और अधिकार क्षेत्र की सीमा का निर्धारण नहीं कर लेती है, तब तक भारत का संविधान केवल राज्य के बारे में एक आंतरिक व्यवस्था प्रदान कर सकता है। इन प्रावधानों को 17 नवंबर 1952 से लागू किया गया था। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया और जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के अहम खंडों को निष्प्रभावी कर दिया। साथ ही जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया। चलिए जानते हैं जम्मू कश्मीर के संविधान की क्या विशेषताएं थी। जम्मू और कश्मीर भारतीय संघ का एक संवैधानिक राज्य था, किंतु इसका नाम, क्षेत्रफल और सीमा को केंद्र सरकार तभी बदल सकता था जब जम्मू और कश्मीर की राज्य सरकार इसकी अनुमति दे। इसी आर्टिकल के कारण जम्मू और कश्मीर का अपना संविधान था और इसका प्रशासन इसी के अनुसार चलाया जाता था, न कि भारत के संविधान के अनुसार। जम्मू और कश्मीर के पास 2 झंडे थे, एक कश्मीर का अपना राष्ट्रीय झंडा और भारत का तिरंगा झंडा। कश्मीर के लोगों को 2 प्रकार की नागरिकता मिली हुई थी, एक कश्मीर की और दूसरी भारत की। देश के दूसरे राज्यों के नागरिक इस राज्य में किसी भी प्रकार की जमीन नहीं खरीद सकते थे। इस राज्य की सरकारी नौकरियों में सिर्फ इस राज्य के परमानेंट नागरिक ही चयन ले सकते थे। विधानसभा का कार्यकाल पहले 6 वर्ष का था, लेकिन अब 5 वर्ष कर दिया गया है। पहले अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल लागू नहीं होता था, परंतु इसे अब लागू किया जा सकता है। ये थी अनुच्छेद 370 के बारे में जानकारी।